हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम सुनेंगे शिव महापुराण श्री रुद्र संहिता तृतीय खंड का सातवां अध्याय, पार्वती का नामकरण। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, मैना के सामने जब देवी जगदम्बिका ने शिशु रूप धारण किया तो वे सामान्य बच्चे की भांति रोने लगी। उनका रोना सुनकर सभी स्त्रियां और पुरुष जो उस समय वहां उपस्थित थे प्रसन्न हो गए। उस श्याम कांति वाली नील कमल के समान शोभित उस परम तेजस्वी सुंदर कन्या को देखकर गिरिराज हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। तब शुभ मुहूर्त में हिमालय ने अपनी पुत्री का नाम रखने के बारे में सोचा। उस समय मैना और हिमालय बहुत प्रसन्न थे। तब देवी के गुणों और सुशीलता को देखकर उनका नाम पार्वती रखा गया। चंद्रमा की कला की तरह हिमालय पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसके अंग प्रत्यंग चंद्रमा की कला एवं बिंब के समान अत्यंत शोभामय होने लगे। गिरिजा अपनी सहेलियों के साथ खेलती थी। पार्वती अपनी सखियों के साथ कभी गंगा की रेत से घर बनाती तो कभी कंदुक क्रीड़ा करती। खेलती खेलती वे बड़ी होने लगी। जब वे शिक्षा के योग्य हो गई तो आचार्य ने उन्हें विभिन्न धर्म शास्त्रों का उपदेश देना प्रारंभ किया। उससे उन्हें अपने पूर्व जन्म की सभी बातें स्मरण हो गई। मुनि, इस प्रकार मैंने शिवा की लीला का वर्णन तुमसे किया। एक समय की बात है, तुम शिव लीला से प्रेरित होकर हिमालय के घर गए। हे नारद, तुम शिव तत्व के ज्ञाता हो और उनकी विभिन्न लीलाओं को समझते हो। तुम्हें आया हुआ देखकर हिमालय मैना ने तुम्हें प्रसन्नतापूर्वक नमस्कार किया तथा खूब आदर सत्कार किया। तत्पश्चात हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती को बुलाया और उससे तुम्हारे चरणों में प्रणाम करवाया। फिर स्वयं भी बार बार नमस्कार करने लगे और बोले, हे मुनियों में श्रेष्ठ नारद, हे ब्रह्मपुत्र नारद, आप परम ज्ञानी हैं। आप सदैव सबका उपकार करते हैं। आप भूत भविष्य और वर्तमान जानते हैं। आप परोपकारी और दयालु हैं। कृपा मेरी कन्या का भाग्य बताएं और मुझे यह भी बताएं कि मेरी बेटी किसकी सौभाग्यवती पत्नी होगी। नारद, हिमालय के ऐसे प्रश्न सुनकर तुमने पार्वती का हाथ देखा और उसके मुखमंडल को देखकर कहना शुरू किया। हे गिरिराज और मैना, आपकी यह पुत्री चंद्रमा की कला की तरह शोभित हो रही है। यह समस्त शुभ लक्षणों से युक्त है। इसका भाग्य बड़ा प्रबल है। यह अपने पति के लिए सुखदायिनी होगी, साथ ही अपने माता पिता के यश और कीर्ति को बढ़ाएगी। यह परम साध्वी और संसार की स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ होगी। इसका पति योगी, नग्न, निर्गुण, काम वासना से रहित, माता पिताहीन, अभिमान से रहित, पवित्र एवं साधु वेशधारी होगा। इस बात को सुनकर मैना और हिमालय दोनों दुखी हो गए। पार्वती देवी सोचने लगी कि मुनि नारद की बात हमेशा सत्य होती है। जो लक्षण नारद जी ने बताए हैं वे सभी तो शिवजी में विद्यमान हैं। भगवान शिव को अपना भावी पति मानकर पार्वती मन ही मन हर्ष से खिल उठी और शिवजी के चरणों का चिंतन करने लगी। तब हिमालय बड़े दुखी स्वर से बोले कि हे नारद, अपनी पुत्री के भावी पति के विषय में जानकर मैं बहुत दुखी हूँ। आप कृपा मेरी पुत्री को बचाने का कोई मार्ग सुझाइए। गिरिराज हिमालय के ये वचन सुनकर, हे नारद, तुमने कहा। गिरिराज, मेरी कही बात सर्वथा सच होगी, क्योंकि हाथ की रेखाएं ब्रह्मा जी द्वारा लिखी जाती हैं और कभी भी झूठ नहीं हो सकती। इस रेखा का फल तो अवश्य मिलेगा, किंतु ऐसा होने पर भी पार्वती सुखपूर्वक रहे, इस हेतु पार्वती का विवाह भगवान शिव से कर दें। भगवान शिव में ये सभी गुण हैं, महादेव जी में ये अशुभ लक्षण भी शुभ हो जाते हैं। इसलिए गिरिराज, तुम बिना विचार किए अपनी कन्या का विवाह भगवान शिव से कर दो। वे सबके ईश्वर हैं तथा निर्विकार, सामर्थ्यवान और अविनाशी हैं, किंतु ऐसा होना इतना सरल नहीं है। पार्वती शिव विवाह तभी संभव हो सकता है जब किसी तरह भगवान शिव प्रसन्न हो जाएं। भगवान शंकर को प्रसन्न करने और वश में करने का सबसे सरल और उत्तम साधन है यदि आपकी पुत्री भगवान शिव की अनन्य भक्ति भाव से तपस्या करे तो सब ठीक हो जाएगा। पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करेंगी। वे सदैव भगवान शिव के अनुसार ही कार्य करेंगी, क्योंकि वे उत्तम व्रत का पालन करने वाली महासाध्वी हैं।
वे अपने माता पिता के सुख को बढ़ाने वाली हैं। हे गिरिराज हिमालय, भगवान शिव और शिवा का प्रेम तो अलौकिक है। ऐसा प्रेम ना तो किसी का हुआ है और ना ही होगा। भगवान शिव इनके अलावा और किसी स्त्री को अपनी पत्नी नहीं बनाएंगे। हिमालय, शिव शिवा को एकाकार होकर देवताओं की सिद्धि के लिए अनेक कार्य करने हैं। आपकी पुत्री को पत्नी रूप में प्राप्त करके ही भगवान अर्धनारीश्वर होंगे। आपकी पुत्री पार्वती भगवान शिव की तपस्या से उन्हें संतुष्ट कर उनकी अर्धांगिनी बन जाएंगी। मुनि नारद, तुम्हारे इन वचनों को सुनकर हिमालय बोले, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, भगवान शिव सभी प्रकार की इच्छाओं का त्याग करके अपने मन को संयम में रखकर नित्य तपस्या करते हैं। उनका ध्यान सदैव पर ब्रह्म में लगा रहता है। भला वे अपने मन को कैसे योग से हटाकर मोह माया के बंधनों में फंसने हेतु विवाह करेंगे। जो भगवान शिव अविनाशी, प्रकृति से परे, निर्गुण, निराकार और दीपक की लौ की तरह प्रकाशित हैं और सदैव पर ब्रह्म के प्रकाश पुंज को तलाशते हैं, वे कैसे मेरी पुत्री से विवाह करने के पर राजी होंगे। मेरी जानकारी के अनुसार भगवान शिव ने बहुत पहले अपनी पत्नी सती के सामने यह प्रतिज्ञा की थी कि वे उनके अलावा किसी और को पत्नी रूप में कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। अब जब सती ने अपने शरीर को त्याग दिया है तो वे किसी और स्त्री को कैसे ग्रहण करेंगे। यह सुनकर आपने कहा, गिरिराज, आपको इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी कन्या ही पूर्व जन्म में दक्ष की पुत्री सती थी और शिवजी की प्राण प्रिया थी। अपने पिता दक्ष द्वारा अपने पति का अनादर देखकर लज्जित होकर सती ने योगाग्नि में अपने को भस्म कर दिया था। अब वही देवी जगदम्बा जो पहले सती के रूप में अवतरित हुई थी, अब पार्वती के रूप में तुम्हारी पुत्री बनी है। इसलिए तुम्हें पार्वती के विषय में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देवी पार्वती ही भगवान शिव की पत्नी होंगी। तुम्हारी बातें सुनकर गिरिराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना व उनके पुत्रों को बहुत संतोष हुआ और उनके सभी संदेह और शंकाएं पूर्णतः दूर हो गई। पास ही बैठी पार्वती ने भी अपने पूर्व जन्म की कथा के विषय में सुना। भगवान शिव को अपना पति जानकर देवी पार्वती लज्जा से सिर झुकाकर बैठ गई। मैना और हिमालय ने उनके सिर पर हाथ फेर कर उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। तत्पश्चात पार्वती को तपस्या के विषय में बताकर नारद वहां से अंतर्ध्यान हो गए। आपके जाने के बाद मैना और हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। ओम नमः शिवाय।